इंसान की ज़िंदगी में जो चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं और बहुत पीछे छोड़ देती हैं, दुनियावी मामलात से लेकर रूहानी, इखलाकी, कल्बी और कुर्ब इलाही के मामलात तक को जो चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें एक बड़ी चीज़ गफलत है। एक लफ्ज़ होता है जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि आपकी तवज्जो नहीं है। ये ढेर सारे लोगों का मुतालबा होता है, अहले खाना भी मुतालबा करते हैं, कई मौके पर वालदैन भी मुतालबा करते हैं, गुरबा भी मुतालबा करते हैं कि अमीरों की हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। और ये बड़ी लाजमी सी बात है कि किसी चीज़ पर जब तवज्जो रहती है तो वो चीज़ बेहतर हो जाती है, और जब अदम तवज्जही का लोग मुजाहरा करते हैं तो वो मामला ख़राब हो जाता है। ये जो अदम तवज्जो है, इसी को गफलत कहते हैं। और जब इंसान के मिजाज पर गफलत तारी होती है और गफलत उस पर पूरी तरह गलबा कर लेती है, तो फिर उसकी ज़रखेज़ ज़मीन को वो बंजर करती है। गफलत इंसानी दिल के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है और इंतहाई तकलीफ़ और ज़रर का बाइस है। दिलों पर जो कहत नाजिल होता है, कहत, वीरान हो जाते हैं दिल, और जो दिलों पर खुशकी नाजिल होती है कि तबीयतें खुश्क हो जाती हैं, ये गफलत की वजह से होती है। जो लोग गाफिल हो जाते हैं ना, अपने मामलात का ध्यान नहीं रखते, देखे ना, आपको खाना खाते भी गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर खाना भी गैर मौत दिल खा लिया जाए तो वह इंसान की तबीयत के लिए बाइस ज़रर बन जाता है, नुकसान का बाइस बनता है। बात करते हुए भी गाफिल नहीं होना चाहिए, कई दफ़ा जुमले ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान के लिए फिर शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। इंसान को गाफिल होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, गाफिल होकर, मदहोश और बेहोश होकर नहीं। गफलत दिल को वीरान करती है, तबीयत में खुशकी लाती है। गाफिल कभी ना बने। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया कि इख्तारा बल्लिन्नास हिसाबहुम, फरमाया लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, वहुम फी गफलति मुरिदून, और वो अभी भी गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। टाइम आ गया हिसाब देने का, लेकिन वो अभी भी गाफिल हैं। हमारे जो ज़्यादातर नुकसान ज़िंदगी में हुए हैं, वो सिर्फ हमारी गफलत की वजह से हुए। हमने चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी, चीज़ें गड़बड़ हो गई। जिस आदमी ने फूल लगाए हों, फल लगाए हों, खेती लगाई हो, वो दाना डाल के पानी दे के फारिग नहीं हो सकता, उसे तवज्जो करनी पड़ती है। और किसी ने कहा था, माली जींदे हों तो फिर बूटे सूखते नहीं, अगर मौजूद हो ना उनको सींचने वाला, रखवाली करने वाला, तो फिर उनकी जड़ें कभी खुश्क नहीं हुआ करती। हमारी जो गफलतें, ये बड़ी ज़रर का बाइस हैं, नुकसान का बाइस। और मजबूरी माफ़ होती है, गफलत माफ़ नहीं होती। स्कूल में पढ़ते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो एक मजबूरी हो गई जी, खुदा न खास्ता घर में कोई परेशानी हो गई तो असातिज़ा उस पर सज़ा नहीं देते। कोई खुशी का मौका है घर में, फैमिली में किसी की शादी है, असातिज़ा उस पर सज़ा नहीं देते। लेकिन अगर कभी पता चलता था ना कि ये घर से तो आया था लेकिन मदरसे नहीं आया, ये स्कूल नहीं आया, रास्ते में गाफिल हो गया, तो ये बात खौफनाक थी। ये काबले सजा जुर्म था कि तू गाफिल हो गया अपनी पढ़ाई से, तू घर से आया और यहाँ नहीं आया। गफलत काबले सजा होती है, मजबूरी की माफ़ी होती है। हमारा आजकल जो मसला है वो गफलत का है। ढेर सारे लोग हैं, समझदार भी हैं, सियाने भी हैं, मामला फहम भी हैं, बाशऊर भी हैं, तालीम की डिग्रियाँ भी रखते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगियों की तकलीफ़ों को देखा जाए और बेआबाद रूह को देखा जाए और सजदों से उनकी दूरी को देखा जाए, तो एक ही बात समझ में आती है कि पता सारा है लेकिन ले डूबी है गफलत, तवज्जो नहीं की। लायक बच्चा भी नालायक तरीन ज़िंदगी गुजारता है, इसलिए कि उसके लायक होने के साथ साथ उसका तवज्जो करना भी तो ज़रूरी है ना।
निरे लायक का क्या फ़ायदा अगर वो मेहनती नहीं, अगर वो तवज्जो ही नहीं करता, अपना सबक ध्यान से सुनता पढ़ता ही नहीं, तो भी जितना मर्जी लायक हो पीछे रह जाएगा। और कई नलायक होते हैं, रट्टा लगा के पास होते हैं, पर चलो रट्टा तो लगाते हैं ना, मेहनत तो करते हैं ना, जद्दोजहद तो करते हैं। कई नालायक जद्दोजहद के बायस आगे गुजर जाते हैं, और कई इसी चक्कर में रह जाते हैं, मैं बड़ा लायक हूँ, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, हफ्ता तैयारी करके पास हो जाऊँगा। अपनी ज़िंदगी से गफलत का पर्दा उठाएं, और गफलत उसके लिए फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है, प्लानिंग करने की नहीं, फैसला करने की ज़रूरत होती है कि मैंने अब गफलत करनी। हम ना जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो मनसूबाबंदी शुरू कर, मनसूबाबंदी ना करें, फैसला करें, कहें कि मैंने गाफिल नहीं होना। गफलत घर के दुनिया का नाम है, अपने आप को गफलत से बचाएं। आप देखें हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, फरमाते हैं कि जंग में मैं पीछे रह गया था, मेरा ख्याल था कल चला जाऊंगा, घोड़े और सवारियां मेरे पास तेज़ हैं, मजबूत हैं, परसों चला जाऊंगा, तेज़ी से भाग के मैं पहुंच जाऊंगा, मैं काफिले के साथ शामिल हो जाऊंगा, लेकिन बस थोड़ी सुस्ती हो गई, ज़रा गफलत हो गई। आप फरमाते हैं जब सब लोग चले गए हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद में और मैं पीछे रह गया, तो फिर जब चंद दिन गुजर गए और महबूब के वापस आने का टाइम हो गया, तो अब मैं गौर करता समझता तो मुझे मदीने में यहाँ बुज़दिल लोग नज़र आते, और कौन नज़र आते, जो मुनाफिक थे वो मुनाफिक बुज़दिल दिखाई देते, या मुझे औरतें और बच्चे दिखाई देते। मैं परेशान हुआ, हुजूर वापस आ गए, जिन्होंने बहाने किए थे ना मुनाफिकीन ने, ये मजबूरी थी इसलिए नहीं जिहाद पे गए, ये जिन्होंने बहाने किए थे उन्हें मिल गई माफ़ी, और मैंने सच बोला, मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं गाफिल हो गया था। अब कहते हैं मैंने जब कहा ना हुजूर सुस्ती हो गई थी, ज़रा गफलत हो गई, तो बंदा महबूब से ही गाफिल हो जाए, बंदा वहीं से गाफिल हो जाए, जो दम गाफिल सो दम काफिर, सानू मुर्शद एहो पढ़ाया। जब कहा ना हुजूर वो गलती हो गई, कोई मजबूरी नहीं थी, तो फरमाते हैं बाकियों को माफ़ी मिल गई, मेरे साथ हुजूर नाराज़ हो गए। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 50 दिन हुजूर नाराज़ रहे, मदीने की गलियों ने मुझे पहचानना छोड़ दिया, दरो दीवार से मुझे यूं लगता था कि मैं परदेसी हूँ। फरमाते हैं मैं मस्जिद में आता था, मैं जब महबूब को देखता तो हुजूर रुखे अनवर फेर लेते, और मुझे पता था जब मेरा चेहरा इधर उधर होता तो फिर करीम रहमत की नज़र फरमाते। फरमाते 50 दिन मुसलसल, फिर मुझे हुक्म हुआ कि बीवी भी भेज दो, मेके बच्चे भी भेज दो, ननिहाल यानी तन्हा रह जाओ। फरमाते वो मैंने कैद तन्हाई काटी, लेकिन शुक्र अल्लाह का ये है कि मैं सच्चा था, बस ज़रा भूल गया था, बस ज़रा गफलत हो गई थी। तो फरमाते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर फ़जल ये फरमाया कि मेरी तौबा का ऐलान रब ने कुरान मजीद में फरमाया। तो गाफिल ना बने कभी भी, हमारा ना मसला ये है। और आपने नाराज़ नहीं होना, ढेर सारे लोग गाफिल हो जाते हैं, मालदार भी गाफिल हैं, साहिबान इल्म भी इल्ला माशाल्लाह बहुत सारी जगहों पे गाफिल हैं। जिन लोगों को चार लोग जानने लग जाते हैं, कोई मकाम हासिल हो जाता है, वो भी बहुत सारी जगहों से गाफिल हो जाते हैं, इल्ला माशाल्लाह। गफलत बड़ी तकलीफ़ वाला मंज़र है। जो लोग समझते हैं ना मैं अब गुड बुक में आ गया हूँ, अब मैं अच्छा हो गया हूँ, अब मेरे लिए खैर कहा जाता है, मुझे अच्छाई शायद ये मुस्तकिल मेरे साथ रहेगी, तारीफ़ ही होगी हमेशा, वो भी गाफिल हो जाते हैं। और ये गफलत ठीक नहीं होती। वजह देखनी चाहिए किस वजह से इंसान को वक़ार मिल रहा, इज़्ज़त मिल रही। अपनी ज़िंदगी से गफलत को उतार फेंकें, थोड़ी देर की तो गफलत होती है, लंबी तो नहीं, 2 मिनट के लिए सिर्फ इसने ड्राइविंग करते हुए चेहरा मोबाइल की तरफ किया था, 2 ही तो मिनट लगे थे। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। एक लम्हे के लिए गाफिल हुए थे और सदियां नस्लें रोती रह गईं पीछे,
बच्चे तड़पते रह गए, अहले खाना परेशान रह गए, माँ बाप सारी ज़िंदगी रोते रहे, लेकिन ये दो मिनट के लिए। ये गफलत जो है ये बड़ी तकलीफ वाला मामला, अपनी ज़िंदगी से गफलत को उतारना है, गाफिल नहीं बनना, हर वक्त तवज्जो और सारी बातों पे तवज्जो। बाज़ औक़ात लोग एक तरफ तवज्जो करके एक तरफ से गाफिल हो जाते हैं, ना तवज्जो हमा पहलू रखनी है, हमारे ज़िम्मे जितने भी हुकूक हैं उन सब पर तवज्जो, हर चीज़ का ख्याल, ऐसा ना हो कि इबादत करते रह जाएं और हुकूकुल इबाद हमसे छूट जाएं, और हुकूकुल इबाद इतने ज़्यादा अदा करें। एक साहब मुझे कहने लगे एक दफ़ा बड़े वसूक के साथ, कहने लगे जी माज़ अल्लाह सुम्मा नहीं जी टाइम मिलता फिर नमाज दा की करिए, रोज़ी कमाना भी तो इबादत है ना। तो मैंने कहा आपने इबादत करना एक हिस्सा कबूल किया है, आपने कुल इबादत नहीं कबूल की, इबादत कुल है हमा पहलू, एक हिस्सा आप कबूल करके निकल गए और बाकी आपने छोड़ दी। तो किसी एक तरफ से भी गाफिल नहीं होना, जितनी जिम्मेदारियां हैं जितनी ड्यूटियां हैं उन सब का ख्याल। और जो बड़ा आदमी होता है, बड़ा घर में बड़ा हो, कबीले में बड़ा हो, इलाके में बड़ा हो, इदारे में बड़ा हो, क्लास में बड़ा हो, जो बड़ा है उसकी तो सारी आंखें खुली हुई होनी चाहिए, एक एक पर उसकी नज़र होनी चाहिए कि मेरी कहाँ ज़रूरत है, कहाँ मुझे अश्क शोई करनी है, किसके साथ मैंने किस तरह मोहब्बत का रवैया रखना है। गाफिल ना बने। अच्छा जी अब कैसे पता चलेगा कि हम गाफिल हैं, ये कैसे पता चलेगा? आप किसी बंदे से भी पूछ लें हालात क्या हैं तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, अल्लाह का शुक्र है जी ज़माना हो गया पाँचों नमाज़ें पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। कैसे पता चलेगा गाफिल हैं? पहली अलामत हमारे उलमा और सूफिया ने गाफिल बंदे की लिखी है, इस आईने में मैंने और आपने अपना आप देखना है। गाफिल बंदे की पहली अलामत ये होती है कि वो दुनियावी कामों में चुस्त होता है और अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी में सुस्त होता है। यानी नमाज के वक्त तो उसे नींद सताती है, परेशानी होती है, लेकिन अगर किसी जगह माल मिल रहा हो, पैसे मिल रहे हो, वहाँ जाना हो तो फिर उसे कोई चीज़ भी तंग नहीं कर। दुनियावी कामों में चुस्त होगा, यानी टीवी के आगे मोबाइल के आगे वो घंटों बैठा हुआ है, और अगर उसे 25 मिनट कुरान पाक सुनना पड़ जाए, अगर उसे 20 मिनट दीनी महफल में बैठना पड़ जाए, अगर उसे कहा जाए कि तू 20 रकन नमाज नफल अदा कर, दुनियावी कामों में चुस्त है, दीनी कामों में, ये गफलत की पहली अलामत। फिर जाती मामलात पे पैसा खर्च करना हो तो ढेर सारा है, किसी गरीब की मदद करनी हो तो। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो अक्सर कहा करते हैं, वो कहते हैं आजकल किसी से कहना फलाई काम में, दीनी काम में किसी की मदद में कुछ चार पैसे खर्च करने हैं तो लोग कहते हैं हाथ तंग है। हाँ कुछ सस्ता प्लाट मिलता हो ना, और अगर ये समझ आ जाए कि वो मजबूर है बेचारा बेचने वाला, तो फिर कहते हैं मैं दो तीन दोस्तों को फाड़ ले सन। जाती कामों में जब बंदा चुस्त हो और दीनी कामों में सुस्त हो तो मतलब ये है कि बंदा गाफिल है। पहली अलामत गफलत की। और गफलत की दूसरी निशानी ये है कि इंसान गुनाह के कामों को मामूली समझने लग जाता है, ये गाफिल बंदे की निशानी है। गुनाह को मामूली समझता है, छोटा समझता है। आजकल लोग कहते नहीं मैं को अकेला कर रहा हूं, सारी दुनिया ही करती है। ओ जनाब क्या हो गया, अगर ये गलती हो गई तो बंदे से हो ही जाता है। गुनाह को मामूली समझना, छोटा समझना, और कहना फिर क्या हो गया है, इंसान से गलती हो जाती है। आप देख लें कि सैकड़ों बीसियों गुनाहों का बोझ हमारे सरों पे होता है, लेकिन कोई हमारा दबदबा है, कोई हमारी गुफ्तगू है, कोई हमारे जुमलों में खुद पसंदी है, कोई रियाकारी है, कोई तसन्नु है, ये गाफिल बंदे की अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन अपने गुनाहों को पहाड़ की तरह समझता है। ये बुखारी में हदीस है। मोमिन पहाड़ की तरह जानता है और वो डरता है कि कहीं वो पहाड़ उसके ऊपर गिर ना जाए, यानी कहीं मुझे मेरे गुनाह की सज़ा ना मिल जाए। छोटे गुनाह को भी पहाड़ जानता, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे ठीक कर लेनी चाहिए, मुझे माफ़ी ले लेनी चाहिए, मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। मोमिन अपने ऊपर गुनाह को पहाड़ की जानिब समझता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो फासिक और फाजिर होता है ना, अल्लाह का नाफरमान,
ये गुनाह को मक्खी की तरह समझता है, ये समझता है मैंने इशारा करना है मक्खी ने उड़ जाना है। मोमिन की अलामत ये है कि वो पहाड़ जानता है अगर गलती हो जाए तो पहाड़। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे तो बारिश हो गई थी और कूफा में कीचड़ था, तो आपने जो जूते पहने हुए थे उन जूतों से चलते हुए ना आपके पाँव से कुछ मिट्टी उड़ी, तो सामने एक यहूदी था, अब उस ज़माने में दीवारें कच्ची होती थी, उसके दीवार पर जाके वो मिट्टी जो थी वो लग गई। अब इमाम साहब बड़े परेशान हुए कि मैंने इसकी दीवार को आलूदा कर दिया, यहाँ तो लोग अपनी ईंटें रखते रखते कईयों की दीवारें तोड़ ही देते हैं और फिर वो उस पर मानने को भी तैयार नहीं होते, तस्लीम करने को भी तैयार नहीं होते। वो कहते हैं फिर क्या हो गया, अब हमारा यहाँ घर है तो हमने ट्राली मंगवानी नहीं थी, हमारा हक बनता था। इमाम साहब के पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा, यहूदी की दीवार पे लगा, उसकी कच्ची दीवार थी। इमाम साहब परेशान हो गए, सोचने लगे कि अगर मैं दीवार से ये कीचड़ उतारता नहीं तो ये भी ज़्यादती है, मैंने उसकी दीवार को गदला कर दिया, और अगर मैं उतारता हूँ तो कुछ मिट्टी उसकी दीवार की भी उतर जाएगी, कच्ची दीवार है ये भी ज़्यादती है। मोमिन गुनाह को पहाड़ की तरह समझता है कि कहीं गिर ना जाए, इसकी भी कहीं सज़ा ना मिल जाए। इमाम साहब ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया तो इत्तेफाक से वो आपका मकरूज भी था, उसने पैसे देने थे। बाहर निकलते ही कहने लगा ओहो आप तो कर्ज लेने आ गए, मेरे पास तो अभी गुंजाइश नहीं अदा करने की। तो इमाम साहब कहने लगे तू कर्ज छोड़, वो मैंने माफ़ किया, मेरे से गलती हो गई है, मैं आ रहा था लकड़ी के जूते उस ज़माने में खड़ाओं लोगों ने पहने होते थे, कहा वो मेरे पैरों से ज़रा कीचड़ उड़ा है, तेरी दीवार पे लग गया है, अब मैं बड़ी देर से खड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं तेरी दीवार साफ़ ना करूँ तो मैंने ये मैली कर दी, गदली कर दी, ये भी बात दुरुस्त नहीं है, ज़्यादती, और अगर मैं इसे साफ़ करता हूँ कच्ची दीवार से कुछ मिट्टी उतर जाएगी तो ये भी ज़्यादती है, अब तू बता मैं क्या करूँ। तो बेमौसमा फल था ना ये, तो बेमौसमा फल देख के बंदा हैरान हो जाता है, जो बातें रूटीन में ना हो रही हों वो ज़रा अनोखी लगती है, बंदा हैरान हो गया, गौर से इमाम साहब का चेहरा देखने लगा, गौर से चेहरा देखने लगा। अभी थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा हुजूर पहले मैंने दीन इस्लाम के बारे में पढ़ा और सुना था, आज मैंने दीन देखा है, पहले मैंने सुना था कि दीन इस्लाम इस तरह का है, आज मैंने दीन। हम ना पूरी दुनिया के काफिरों को दीन सुनाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते, हम नेक नज़र आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते, हम नेक नज़र आना चाहते। नतीजा क्या निकलता है कि कुछ अरसे के बाद पता चल जाता है बंदा किस लेवल का नेक है, क्या मेयार है इसकी नेकियों का। कहने लगा हुजूर पहले मैंने दीन सुना था आज देखा है। आप वो मिट्टी के दीवार पर जो कीचड़ लग गया है दीवार को बाद में साफ कीजिएगा, पहले कलमा पढ़ाएं ताकि मेरे अंदर का कुफर साफ हो जाए, अब मुझे मुसलमान कर दे। तो गाफिल आदमी जो होता है ना वो, फिर तीसरी बात, जब बंदा बहुत ज्यादा गाफिल हो जाता है फिर एलानिया गुनाह करने लगता है, एक गुनाह फिर उसका इजहार गुनाह। एक बंदा हदीसे पाक में आता है, एक बंदा रात को कोई गलती करता है, अल्लाह ताला उस पर पर्दा डाल देता है, लेकिन वो सवेरे खुद लोगों को बताता फिरता है मैंने ये किया मैंने ये किया। जब आप इजहार गुनाह करते हैं ना तो सामने वाला भी दलेर होता है, कहता है इसने किया मैं कर लूँगा तो फिर क्या हुआ। हमारे उलमा ने लिखा है किसी की नमाज कज़ा हो जाए तो किसी को बताए ना, कज़ा पढ़ डाले, उसका जगह जगह जिक्र ना करे। जब आप कहेंगे ना मेरी कज़ा हो गई तो आपके साथ रहने वाला बच्चा दोस्त समझेगा यार इसकी कज़ा हो गई या तो मेरी भी हो जाएगी तो क्या हुआ। गुनाह करना भी गुनाह है और गुनाह का इजहार भी गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी सारी उम्मत को माफ़ी मिल जाएगी सिवाय उन लोगों के जो एलानिया गुनाह करते हैं। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, जो एलानिया गुनाह, जिन्होंने खुद सारी दुनिया को गवाह बना लिया मैंने ये भी जुर्म किया ये भी किया ये भी किया ये भी किया, खुद उन्होंने लोगों के, बहुत बड़े गाफिल आदमी की अलामत है कि गुनाह करे और फिर ऊपर से एलानिया गुनाह करे, इतना बड़ा जुर्म करे। फिर चौथी अलामत अगर हम देखना चाहें
कि हम गाफिल तो नहीं। तो गाफिल बंदे की चौथी अलामत ही होती है कि वो फजूल कामों में वक्त बड़ा ज़ाया करता है, फजूलियात में इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, यहाँ गपशप हो रही है वहाँ मोबाइल देखा जा रहा है, फिर कुछ टाइम मिला है तो फिर कहीं दूर दराज किसी होटल पे खाना खाने चले गए, फिर कुछ टाइम मिला तो चलो निकलते हैं ज़रा कोई हफ्ता सैर कर आते हैं, यहाँ गपशप है फलां को डिस्कस कर लेते हैं, फलां के बारे में बात कर लेते हैं, सियासी तबसरे कर लेते हैं, ये थोड़ी गुफ्तगू हो जाती, चले मोहल्लेदारों पर तबसरा शुरू करते हैं, कौन रोटी ज़्यादा खा रहा है और किसके पास पैसे ज़्यादा आ गए, चलो जाके पता करते हैं। हालांकि ये पता नहीं करना चाहिए था, पता तो उसका करना चाहिए था जो बेचारा कल से भूखा है, खबर तो उसकी रखनी चाहिए थी जिस बेचारे के घर में बच्चों के लिए पहनने को कपड़े मौजूद नहीं हैं, उस पर तबसरा ये करते हैं कि ये मेहनत क्यों नहीं करते। और अगर किसी पर अल्लाह अता कर दे फिर हिसाब ज़रूर लगाते हैं कि ज़रा मालूमात करो ये इतनी जल्दी आगे कैसे निकल गए। गाफिल बंदे की अलामत है वक्त का ज़ाया करना और फजूल कामों में ज़ाया करना और बिला वजह ज़ाया, और ऐसे सवालात करना जिनकी ज़रूरत ही कोई नहीं, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हम लोग वक्त ज़ाया, ये गफलत की अलामत, गफलत। अल्लाह वालों की अलामत क्या थी, एक बात उन्होंने ज़िंदगी में ले ली सीख ली फिर सारी ज़िंदगी उसी पर गुजार दी, उनका इरादा था ना कशकोल सीधा किया। कुछ लोग सारी ज़िंदगी लेक्चर कबूल ले लेके सुन सुन के फिर भी समझने को तैयार, ये गाफिल दिल की अलामत है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग गफलत में हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। लोग बिला वजह वक्त ज़ाया करते हैं, अल्लाह ने सेहत दी है किसी खैर के काम में लगाएं। अगर आपके पास फारिग वक्त है तो कुरान पाक को याद करें, तर्जमा और तफसीर से पढ़ें, महबूब पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस को याद करें, अल्लाह वालों की बातें सुने, वक्त मिले तो इबादात में लगाएं, नवाफल में लगाएं, तिलावत में लगाएं, जिक्र अजकार में लगाएं, और फिर अल्लाह मजीद तौफीक अता करे तो किसी के भले में वक्त लगाएं, गली से कोई कांटा उठाएं, कोई रोड़ा उठाएं, कोई किसी की मदद करें। लेकिन ये गाफिल उन्हें की अलामत है कि अपने वक्त को ज़ाया करना। और फिर इसी तरह गफलत की पाँचवीं अलामत यह है कि अगर बंदे को दुनिया से पूरा प्यार हो जाए, यानी शबे कदर में भी आके कहता है या अल्लाह कभी पैसे दे देना, शबे बरात वाले दिन भी कहता है कि मालिक अगर कभी कोई ऐसा सबब लग जाए ना, यानी बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़े होके भी अगर इसने माल ही मांगना है वहाँ भी इसने यही सवाल करना है, हुब्बे दुनिया इतनी गालिब आ जाए, तो ये गाफिल होने की अलामत। दुनिया ज़रूरत है मकसद नहीं है, दुनिया की हाजत है मकसद नहीं है, ये मकसूद नहीं। और जब लोग फकत दुनिया के माल को दौलत को, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो दिरहम और दिनार का बंदा बन गया है, पैसों का बंदा बन गया है, मिल जाए तो खुश होता है ना मिले तो तकलीफ में आ जाता है, ये गाफिल बंदे की अलामत। मोमिन तो वो होता है कि दौलत रिज़्क हलाल ज़रूर कमाता है ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोशिश ज़रूर करता है पर दुनिया को जेब में जगह देता है दिल में नहीं देता, उसकी जगह जहाँ है उसे वहाँ रखता है, उसे दिल में जगह, दिल तो एक है उसमें रब रसूल को बसाएंगे या किसी और को बसाएंगे। तो हुब्बे दुनिया ये गाफिल होने की बहुत बड़ी अलामत है। फिर इसी तरह जो बंदा रब करीम को जानता नहीं ना वो भी गाफिल हो जाता है, एक तो जो ये नहीं ना जानता कि रब करीम सजा देगा, मुझे देख रहा है, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, जो इसकी मार्फत नहीं रखता कि मेरा रब हर वक्त मुझे देख रहा है वो भी गाफिल हो जाता है, जिसे पता हो ना कि मुझे देख रहा है वो गाफिल नहीं होता। और जो ये समझ लेता है ना कि शायद माज़ अल्लाह सुम्मा, इस यकीन को पक्का नहीं करता वो गाफिल हो जाता है। और एक जो ये नहीं ना जानता कि रब मेहरबान कितना है वो भी गाफिल हो जाता है। मुझे बताइए सबसे ज़्यादा तो बंदा उसके दरवाज़े पे जाता है ना जो सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने वाला हो, उस दरवाज़े से बंदा उठता ही नहीं। तो जिसको ये यकीन हो जाए ना सबसे ज़्यादा करम फरमाने वाली ज़ात अल्लाह रसूल की है, वो कभी रब रसूल से गाफिल नहीं होता।
वो कभी अल्लाह रसूल का दरवाज़ा छोड़ के नहीं जाता, वो कभी किसी और जगह जाके पनाह तलाश नहीं करता। इसे पता चल जाए ना वो करीम कितना है, मेहरबान कितना है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़ा मुजरिम था एक बंदा, बहुत बड़ा गुनाहगार था, बुत को पूजता था, थक गया सारी रात बुत के सामने खड़ा था, माज अल्लाह या सनम या सनम या सनम कहते थक गया, नींद आ गई, ऊंग आ गई। जब पूरी तरह नींद आ गई और दिमाग पे नींद कब्जा करने लगी तो उसके मुंह से निकल गया सनम सनम कह रहा था ना, निकल गया या समद। ओ बेनियाज मालिक, रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया दौड़ के जाओ, जो कहता है इसे दे दो। फरिश्ते कहने लगे मालिक वो तो बुत को पुकार रहा था, उसने तो गलती से नाम लिया है। फरमाया मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ना उसने मुझे पुकारा तो है ना, कितनी देर से झूठे को पुकार रहा था, इसका मामला हल नहीं हुआ। अब अगर सच्चे को पुकारने पे भी हल ना हुआ तो फर्क क्या रह जाएगा, दे दो जो मांगता है दे दो। मेरे दोस्त घर पता चल जाए वो करीम कितना है, वो मेहरबान कितना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया तेरी आंख से अगर उसके खौफ से इतना आंसू भी निकल गया जितना मच्छर का पर होता है, तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध वापस थनों में नहीं ना जाता, जो इतना भी रोए ना रोए अल्लाह के खौफ से, वो बंदा दोजख में नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए डर जाए अपने रब से, आए तो सही। अदम मार्फत गफलत पैदा करती है, तू आ तो सही, वो तो करीम ही बड़ा है, वो तो मेहरबान ही बड़ा है। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की सहाबियाँ हैं, अय्याम जो मक्के के थे मुसलमानों पर बड़ी आजमाइश के थे, उन्हें बड़ा मारा कुफार ने, इतना मारा कि उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। काफिरों की औरतों ने ताना दिया कि तूने हमारे बुत छोड़े हैं ना, तो देखना तेरी बिनाई चली गई। तो जनाब जुनैरा अल्लाह पे भरोसा तवक्कुल मरफत इलाही का जज्बा उठ के कड़ी हो, कहने लगी चुप करो, तुम्हारे झूठे बुत क्या कर सकते हैं, मेरा रब चाहे तो सुबह जब मैं उठूं तो मेरी आंखें रोशन हो, अगर करीम करम कर दे। लोग कहते हैं वाकई ऐसा हुआ, जब वो सवेरे उठी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी वापस कर दी थी। तुझे पता चल जाए ना वो मेहरबान कितना है। वो एक बुजुर्ग थे तो उनसे किसी ने कह दिया कि अगर आपका हिसाब आपके माँ बाप के जिम्मे हो जाए तो फिर कैसा, पूछने के लिए क़यामत में अगर माँ बाप हिसाब लें तो फिर कैसा। तो बड़े सियाने लोग थे जो दिल भले थे, कहने लगे नहीं रब करीम ही ठीक है, इसलिए कि वो माँ बाप से कहीं बढ़कर प्यार करने वाला है। अगर ये मार्फत मिल जाए वो करीम कितना है, और जब बंदा पूरी तरह उसकी बारगाह में आके तड़प जाता है ना, मौला मैं जाऊँ किधर, तेरा दरवाज़ा छोड़ के जाऊँ किधर। इकबाल कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरान समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। तुझे जगह जगह झुकना नहीं पड़ेगा अगर तू सही मानों में अपने रब की बारगाह में झुक जाए। तो मेरे अजीज़ कोशिश करें कि उसकी मारिफत, उसका करम, उसकी अता, और अल्लाह तबारक व तआला के हाजिर व नाजिर होने पर ऐनुल यकीन, अकुल यकीन हासिल करें। और फिर आठवीं बात यह है कि गाफिल लोगों की सोबत भी बंदे को गाफिल कर देती है, गाफिलों की सोबत में ना बैठे, उनकी सोबत में बैठे जिनके पास बैठने से दिल में रब रसूल की मोहब्बत पैदा होती है। गाफिलों से बचें, चंगियां दे लड़ लगी सां ते चोली च फुल पए, ते जो मैं भैड़ियां दे संग रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। बुरे आदमी की सोबत बंदे को गाफिल कर देती, गाफिलों की सोबत में कभी ना बैठे, कभी नहीं। गाफिल आदमी आपको गाफिल कर देगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है, ये बहुत बड़े लफ्ज हैं। फरमाया अल मरउ अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। तू देख तूने दोस्त किसको बनाया है, जो तेरे दोस्त का मजहब होगा वही तेरा हो जाएगा। हमने दोस्त बनाया ना गौस पाक जेलानी को, हमने यारी लगाई है ना दाता अली अजमेरी से,
हमारी निस्बत है ना मोइनुद्दीन अजमेरी से, हमारा ताल्लुक है ना बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी से, हमारा रिश्ता है ना हजरत मुजद्दद अल फैसानी से, हम मानने वाले हैं ना आला हजरत बरेलवी के, हमारा ताल्लुक है कभी जमात अली से कभी मेरे अली से, हमारा इनसे ताल्लुक है तो सुबह शाम हमारी जुबान पर रहता है बलगल उला बे कमाली कशफत दुजा बे जमाली हसनत जमी ओ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिही। इनसे ताल्लुक जुड़ा है ना तो कई दफा तन्हाइयां तड़पा देती हैं और तड़प के कहते हैं अज सिख मित्रां दी वधेरी है, अज सिख मित्रां दी। सिख कहते हैं उड़ीक को, मित्र कहते हैं महबूब को, अज सिख मित्रां दी वधेरी है। ए क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों झड़ियां, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पहले कहते हैं सिख मित्रां दी वधेरी है यानी उदास हूँ, फिर हुजूर के जलवों पे नज़र करते हैं, कहते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। माँ अजमला का माँ अहसाना का माँ अकमला का, और फिर फौरन कहने लगे ओ किथे मेरे अली, ओ किथे मेरे अली, किथे मेरे अली ते किथे तेरी सना। अब वेखो मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां, बलगल उला बे कमाल का शफत दुजा बे, और मेरे आला हज़रत कहने लगे सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। गाफिल आदमी की अलामत है बुरे लोगों की सोहबत में, खबरदार उनके पास ना बैठना, जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में औलिया अल्लाह अल्लाह के बंदों की अदावत पैदा हो। खबरदार खबरदार उनके पास ना बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में हुजूर की औलाद पाक के बारे में शक पैदा हो। खबरदार उस शख्स के पास ना बैठना जो इमाम हुसैन इब्ने अली के बारे में कोई कमज़ोर बात करता हो, बचना। खबरदार उससे बचना जो हुजूर के सहाबा के बारे में बात करे, बचना बचना उससे। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में कोई, देखो क्या मुकद्दर है सिद्दीक और फारूक के, जिनके घर ही रहमतों के खजीने में, भला क्या कहा नबी पाक, हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है, ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना, इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला आता फरमा। एक हाथ में जनाबे सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा, और हुजूर मस्जिद नबी से बाहर आ रहे हैं, देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह निकल गया, क्या शान है क्या मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहि सल्लम रुक गए और रोक के फरमाया तू हैरान हो रहा है ना, तू हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा है एक में उमर को पकड़ा है। फरमाया कयामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान माशर में मैं आऊँगा। खबरदार हुजूर के वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना, उनके वफ़ादार रहना। बड़ा अजीब दौर आया है, हमने ये दौर देखा है कि लोग हुजूर के सहाबा के बारे में भी बात करेंगे, अब नबी पाक की औलाद पाक के बारे को भी डिस्कस किया जाएगा। अपना मुंह तो देख, अपनी हैसियत देख, और फिर वो बंदे देख जिनको अल्लाह ने चुन के अपने महबूब की ग़ुलामी के लिए हुजूर के करीब बिठाया है। तो बचना ऐसे लोगों से, परहेज करना, खबरदार अकीदा सुथरा रखना, अकीदा सुथरा रखना, साफ रहना पाकीज़ा रहना, गाफिलों की सोहबत से बचना। बड़ा डरते हैं अल्लाह से, दुआएं मांगते हैं या अल्लाह नस्लों में भी वही बंदे पैदा फरमा जो अकीदे पक्के रखने वाले हैं, वो बंदे पैदा फरमा हमारी नस्लों में। एक वो बंदा भी गाफिल हो जाता है जो उम्मीदें लंबी लगा लेता है,
जिनके मंसूबों में दौलत भी होती है, घर भी होता है, औलाद का बड़ा होना भी होता है, पोते पोतियां नवासे नवासियां देखना भी होता है, यहाँ भी घर वहाँ भी घर, ये सैर ये सारा कुछ होता है, लेकिन रब की बारगाह में पेश होना जिनके पेशे नज़र नहीं होता, लंबी उम्मीदें। हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे, मैं तुम पर दो बातों का खौफ खाता हूँ, जो डर आता है, एक ये कि तुम ख्वाहिश की पैरवी करोगे, जो नफ्स की ख्वाहिश होगी उसके पीछे लग जाओगे, और एक तुम लंबी लंबी उम्मीदें बांधोगे, इतने साल जीना है, इतने सौ साल जीना है, ये करना है वो करना है। मनसूबाबंदी करें मुस्तकबिल के लिए, वो बुरी नहीं, लेकिन तैयारी रखें, तैयारी रखें, इस बात का भी ख्याल रखें कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। ये गफलत की चीज़ें हैं जो बंदे को गाफिल कर देती हैं। जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो भी गाफिल हो जाते हैं, और जो फजूल बातें ज़्यादा करते हैं ना, हंसते ज़्यादा हैं। फलयदहकू कलीलम वलयबकू कसीरा, कुरान कहता है ज़्यादा रोया करो, कम हंसा करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा था हज़रत उकबा बिन आमिर ने कि या रसूलल्लाह निजात किस चीज़ में है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक तो अपनी ज़ुबान काबू में रखो, दूसरा फरमाया अपने घर में ठहरे रहो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफ़ी हो, फजूल ना निकलो घर से, और तीसरा फरमाया अपनी ख़ताओं पर रोया करो। कसरत कलाम और फजूल कलाम और बिला वजह ये बंदे को गाफिल करता है, दिल को सख्त करता है। ये चंद चीज़ें हैं जो इंसान को गफलत में डालती हैं। अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं और गफलत को तोड़ें। आपके ज़िम्मे मेरे ज़िम्मे जो हुकूक लिबाद हैं उनका पता करें, जो अल्लाह रसूल के हुकूक हैं उनकी खबर देखें, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम किस तरह अंजाम दे रहे हैं उस पर तवज्जो करें, अपने मामलात को ठीक करें। हम इंसान हैं, कोताहियाँ तो रह जाएंगी, लेकिन जब कोशिश करेंगे तो फिर रब ताला मदद भी फरमाएगा। एक बात और करनी है, एक तो मैंने अर्ज़ किया गफलत को तोड़ना, एक दूसरी बात कुरान मजीद का एक सबक और, जब गफलत तोड़नी है तो फिर लाजमी तौर पर एक काम करना पड़ेगा। मैंने ये अर्ज़ किया था कि प्लानिंग नहीं करनी, फ़ैसला करना है, तो फ़ैसला करना है तो करना क्या है? फिर कुरान हकीम ने सूरह बकरा में कहा फस्ता बिकुल खैरात, यानी तुम नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी जल्दी नेकियाँ करो, फटाफट, देर ना करो। फटाफट से मुराद ये नहीं कि नेकी जल्दी जल्दी कर जाओ, यानी टाल मटोल ना करो खैर के काम में, कल करेंगे परसों करेंगे। उमरा का रहे हैं फिर नेक ही हैं, हज का रहे हैं फिर नेक ही हैं, बच्चे ब्याह लूँ फिर मैं नेक हूँ, ये थोड़ा सा ये काम टाल मटोल, फस्ता बिकुल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ो, जल्दी करो, भागो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाँच चीज़ों को पाँच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे एक तो तुम जवानी को ना बुढ़ापा आने से पहले पहले गनीमत समझ लो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि अपनी सेहत को गनीमत जान लो बीमारी आने से पहले पहले। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, वुस्सत दी है, तो नेकी कर लो, खर्च कर लो अल्लाह के रास्ते, खुदा ना खास्ता तुम पर गरीबी आ जाए। और फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अगर तुम्हें अल्लाह ने कुछ फरागत दी है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ नहीं हो, तो गनीमत जान लो, जल्दी से नेकी कर लो कबल इसके कि तुम मशगूल हो जाओ। और पांचवी बात हुजूर ने बयान की, फरमाया ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले पहले, जल्दी से नेकी कर लो। नेकी के लिए सारी ज़िंदगी मनसूबाबंदी ना करते रहो, नेकी के लिए देखो ना, हमारी ज़िंदगी में यहाँ दुनिया में रह के चंद मिनटों में वो नेकी की जा सकती है जो कयामत के बाद सदियों का हमारा फ़ायदा करेगी, सदियों का फ़ायदा करेगी। करते नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं, बस हज़रत आप दुआ कर दें, अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल फरमाने वाला है, लेकिन जो नेकी नसीब होती है उसे जल्दी से कर गुजरें, उसे फटाफट करें। मैं एक गाँव में गया, अब तो खैर वो दौर नहीं रहा, ये 10-15 साल 20 साल पहले ना जो नौजवानों की मसरूफियात होती थी उनमें से एक मसरूफियत ये होती थी कि गंदम लेके चक्की पे जाना है, आटा पिसवा के लाना है। ये एक बड़ी, चूँकि सभी घरों के अंदर साल के लिए गंदम स्टॉक कर ली जाती थी, तो गंदम लेके जाना ये एक ड्यूटी होती थी। एक नौजवान एक गांव में, उसकी मुझे तारीफ़ सुनने को मिली, तो एक बूढ़ी अम्मा कहने लगी ये तो बड़ा नसीबा वाला है, सारे आटा पिया ले आंदा है।
और आते जाते पूछ लेता है कि अम्मा कोई कहने लगी मेरे बच्चे बाहर होते हैं ये मुझे दवाई भी ला देता है शुगर की, मैं मरीजा हूँ। यानी खैर जितनी हो सके जितनी, मेरे एक संगी हैं तो सड़क पे कोई बंदा खड़ा होता है ना, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, बंदा खड़ा होता है तो कहते हैं मैं उससे पूछ लेता हूँ बाबा जी किधर जाना है, फलानी जगह जाना है, तो कहते हैं मैं मोटरसाइकिल पर बिठा लेता हूँ। बंदा देख के मुझे समझ आ जाती है ज़रूरतमंद है, कोई चोर नहीं कोई डाकू नहीं, ज़रूरतमंद है। मैं उसे मंजिल तक नेकी जितनी मुयस्सर आए जिस हद तक मुयस्सर आए, क्या कहा हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, हुजूर ने हमसे फरमाया कुछ ना ना हो सके तो बात ही मुस्कुरा के कर लेना, इस पर ही अल्लाह सदके का सवाब अता कर। फस्तबिकुल खैरात, जल्दी से नेकी कर लो, अपने नाम आया माल में रोज़ नेकियाँ जमा करो, कोई ना कोई खैर का काम रोज़ करो और जल्दी से करो। सही मुस्लिम में हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जल्दी जल्दी नेकी के काम कर लो उन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह फितने होंगे। फरमाया उस वक़्त हाल ये होगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। और फरमाया लोग दुनिया के बदले अपना दीन तक बेच डालेंगे, माज़अल्लाह झूठी कस्में नहीं खाई जाती, झूठा कुरान मजीद नहीं लोग उठा लेते, लोग दुनिया के लिए दीन बेच डालेंगे उससे पहले पहले जब फितने इतने ज़्यादा हो जाएं, उससे पहले पहले नेकी कर लो, कोई खैर का काम कर लो, जल्दी से कुछ ऐसा कर लो। हज़रत उकबा बिन हारस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये देखें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, हुजूर का उसवा क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तरबियत किस तरह करते। हज़रत उकबा बिन हारस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ना असर की नमाज़ पढ़ी, ये सही बुखारी में मौजूद है। फरमाते हुजूर सलाम फेरते ही फौरन उठ के घर तशरीफ़ ले गए, ये हमारे लिए ना अनोखी बात थी, गैर मुतवक्के थी, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, सलाम फेरा नमाज का हुजूर जल्दी से तशरीफ़ ले गए। अब हम हैरान थे और हैरत अंगेज़ तौर पर हैरान थे कि करीम इतनी जल्दी तशरीफ़ ले गए, थोड़ी देर हुई हुजूर वापस आ गए तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे घर में ना एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा सोने का पड़ा था, माल आया था सारा सदका कर दिया, वो थोड़ा सा पड़ा था, अचानक मुझे याद आया वो तो पड़ा रह गया। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी रात गुजर जाए और मेरे घर में पड़ा ही रह जाए, मैं जल्दी से जाके उसे खैरात कर दूँ। मैंने खैरात किया फिर मैं वापस आ गया हूँ, जल्दी से नेकी, जल्दी से नेकी कर ली जाए। हम बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ा लंबा हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास टाइम ही बड़ा है, किसी ने कान में कह दिया है तेरे पास बड़ा वक्त है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो जनाब और मेरे भाई ये लोगों के कहने की बातें हैं, फिर पता ही नहीं चलता हालात किस तरह के हो जाते हैं और क्या मामलात इंसान के साथ दरपेश होते हैं। जितनी खैर मुयस्सर आए, जितना भला मुयस्सर आए, जितनी इंसान को तौफीक मिले, मैंने बुज़ुर्गों को देखा अपने असहाब को, पहले वो खुदाम से कहते कि मैं सोने लगाऊं और पाबंद करते लोगों को कि फ़लाँ वक्त, बुज़ुर्गों को मैंने देखा अपने, वो पाबंद करते लोगों को कि फ़लाँ वक्त मैं मौजूद होऊंगा आना, खुद पाबंद फरमाते। और फिर जब बेदार होते ना तो सबसे पहले खुदाम को बुला के पूछते कोई मेहमान तो नहीं आया, ओ जनाब आपने खुद ही तो पाबंद फरमाया फलां दे नाना, कहने लगे चल यार अगर कोई आया तो मुझे मिला लो, मेरी मुलाकात करा लो, क्यों, इसलिए कि दूर से आया है मुझसे मिलने आया है, कोई खैर की बात सीखने आया, चलो मेरे नाम या माल में कोई नेकी जाएगी, कुछ ना कुछ खैर जमा कर ली जाए, कुछ ना कुछ ड्यूटी कर ली जाए, कुछ काम करें और जल्दी से करें। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी बुखारी में मौजूद है, कहते हैं एक सहाबी ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए ग़ज़वाए उहद के मौके पर, और हाल उनका ये था कि वो खजूर खा रहे थे और खजूर उन्होंने मुंह में रखी हुई थी, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर मैं शहीद कर दिया जाऊँ तो कहाँ जाऊँगा। हुजूर फरमाने लगे जन्नत में। तो कहते उन्होंने जो खजूर मुंह के अंदर थी ना वो उन्होंने निगली नहीं, अंदर नहीं ले गए, उसको बाहर निकाला और दौड़ के आगे बढ़े और जंग करनी शुरू कर दी।
और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्या सबक दिया उन्होंने? सबक ये दिया कि नेकी करने में इतनी देर भी नहीं करनी जितनी खजूर खाने में देर लगती है। जल्दी से नेकी करनी है, फटाफट नेकी करनी, उसके अंदर टाल मटोल नहीं करना। उसी वक्त उन्होंने खजूर बाहर निकाल दी, दौड़ के उन्होंने हजरत अंस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के चचा हैं, मैदान ओहद में ना, ओहद पहाड़ के करीब खड़े थे, लोगों से कह रहे थे जल्दी जल्दी इधर आओ, वो जन्नत जो इंसान को इंतकाल के बाद नसीब होगी और क़यामत के बाद नसीब होगी। फरमाते थे मुझे तो अभी ओहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, लिहाजा जल्दी से आओ, इधर दौड़ो, जिहाद करो, आओ कुफार से लड़े। तो नेकी में देर नहीं करनी, जो नेकी मुयसर आती है, जिसको मुयसर, माँ बाप मुयसर हैं तो खिदमत कर लें, अहले खाना हैं तो उसने सलूक कर लें, अल्लाह ने औलाद दी है तो अच्छी तरबियत कर लें, दोस्त हैं तो खैर खाई कर लें, अगर आपको अल्लाह रमज़ान अता करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इबादत कर लें, अगर नज़र ठीक है तो तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, जुबान चलती है तो रज रज के मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ लें, अल्लाह ताला का जिक्र कर लें, जल्दी से खैर जमा करें, अपने वक्त को ज़ाया न करें। ये आज का सबक है। एक तो हमने फैसला करना है कि बस गफलत नहीं, अब गफलत अब इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह करनी है, अब कोई खैर का काम करना है। मेरे हजरत का एक जुमला कभी नहीं भूलना, फरमाया करते थे ज़मीन के ऊपर काम, नीचे जा के आराम। ये छोड़ दें, इतने घंटे सोना है तो ये करना है, तो मेरी नींद में दखल कोई ना डाले, फिर सोते ही रह जाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। ज़मीन के ऊपर काम और नीचे जाके जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। अब जाग ले अफलाक के साए के नीचे, जाग, खोल आंखें, हर वक्त का सोना, हर वक्त सोना, हर वक्त जो अपने आराम की फिक्र करना इससे निकल आए, और अच्छा खाना और अच्छा पहनना और बस अपनी मर्जी की जिंदगी मन चाही जीना इससे बाहर आए। फैसला करें, फैसला कि अब गफलत नहीं करनी, अगर अल्लाह ने कोई सलाहियत दी है तो उसे दीन के काम पे लगाना है, कोई ड्यूटी करनी है, कोई खिदमत करनी है। देखो खिदमतें हो रही हैं, सिद्दीक अकबर माल दे रहे हैं, उस्मान गनी माल दे रहे हैं, मौला अली ने तलवार पकड़ी है, मैदान में जा रहे हैं, फारूक आजम गली गली नगर नगर रसूलुल्लाह के दीन की पहरेदारी कर रहे हैं, हजरत जनाबे सैयदना सलमान फारसी अबू ज़र गफारी हुज़ूर की मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, और बिलाल हबशी वो नबी पाक की मस्जिद में आजान पढ़ते 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 रब ने इतना उरूज फरमाया कि काबे की छत पे खड़े होके भी आजान पढ़ने से उन्होंने आजान दे दी। तो कोई काम करना है, गफलत को तोड़ना है, और नेकी करनी है ज़रा जल्दी जल्दी, खैर का काम करना है, नहीं नहीं ऐसे नहीं, फटाफट, कैसे जी, फटाफट, तो फटाफट काम करें खैर का, जल्दी जल्दी। तो ये खैर का काम फटाफट, जल्दी जल्दी और बड़ी जल्दी और दौड़ धूप के, और जब आप करते जाएंगे ना तो फिर अल्लाह ताला मौके बनाता जाएगा। आपसे मेरी अपील है, बिलखसूस मेरे साथ जो वाबस्ता संगी हैं, जो प्यार करने वाले हैं, दो बातें आज आपने ले कर जानी हैं घर, यही लंगर है, यही आपके लिए दुआ है, यही हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ है, यही नसीहत है कि आपने दो बातें ले कर जानी हैं, गफलत तोड़ देनी है, फैसला करना है कि आज के बाद गाफिल नहीं होना, और दूसरी ये बात ले कर जानी है कि नेकी जल्दी जल्दी, फटाफट फैसला, फटाफट नेकी, एक करके फिर इंशाल्लाह दूसरी, दूसरी करके फिर इंशाल्लाह तीसरी, तीसरी करके फिर इंशाल्लाह चौथी, ये शुरू करनी है, और आप देखेंगे अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा, मदद करेगा।